दुर्ग लोकसभा 2024 के हुए लोकसभा चुनाव में अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले सांसद विजय बघेल का दुर्ग भाजपा कार्यालय में भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। दुर्ग लोकसभा में रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक वोट पाकर जीत हासिल करने वाले दुर्ग सांसद विजय बघेल का दुर्ग के जिला भाजपा कार्यालय में भव्य स्वागत किया गया। अध्यक्ष जितेन वर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। इस मौके पर अभिनंदन समारोह में जिला संगठन प्रभारी राजीव अग्रवाल, लोकसभा सह संयोजक प्रीतपाल बेलचंदन, विधायक डोमन लाल कुर्सीवाड़ा, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव, विधानसभा संयोजक जागेश्वर साहू, राजेंद्र कुमार पाधे, पूर्व विधायक लाभचंद बाफना मंचस्थ रहे। इस दौरान नव निर्वाचित सांसद विजय बघेल के अभिनंदन के लिए दुर्ग जिले के सैकड़ों कार्यकर्ताओं का हुजूम टूट पड़ा। साथ ही जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा के नेतृत्व में जिला पदाधिकारी, विधायकों और विधानसभा संयोजकों ने गजमाला से अभिनंदन किया। इस दौरान विजय बघेल ने कहा कि भले नाम मेरा हो रहा है, लेकिन काम कार्यकर्ताओं ने किया है। सबसे ज्यादा महिलाओं ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई है और काम किया है। दुर्ग के कार्यकर्ताओं ने दिन रात की परवाह किए बिना तन मन धन से पार्टी की सेवा की है, उसके लिए मैं सबका कृतज्ञ हूँ। कार्यकर्ताओं ने निस्वार्थ भाव से पार्टी के लिए काम करके सभी 9 विधानसभाओं में जीत दिलाई है। पहले जब छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं थी, तब भी जनता से आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं के दम पर रिकॉर्ड बनाकर, और आज जब सरकार में है तब भी रिकॉर्ड बना है। उन्होंने कहा कि दुर्ग लोकसभा के सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा, दुर्ग की आवाज़ दिल्ली में उठाने में कोई कमी नहीं करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी सक्रियता को लेकर किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आज जनता ने सर्टिफिकेट दे दिया है। अब दुगने उत्साह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के विकास की गाथा लिखने में योगदान देंगे। मुझे 11 बजे रात पे दुर्ग ले जा सकते हैं तो हम यार जाय पड़ी तो रात दिन 1 बजे 2 बजे तक के जिन करते बहुत ही सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी है। मैं दुर्ग लोकसभा के एक एक मतदाता प्रणाम करा रहा हूँ और आज एक घर के अंदर बातचीत होते है जिन हिसाब से दुर्ग लोकसभा में मुख्यमंत्री जी, रविन्द्र चौबे जी, ताम्रध्वज जी, रुद्र गुरु जी, अरुण ओरा जी, देवेंद्र यादव जी जैसे बड़े बड़े आदमी छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के संचालन जिन होत्री से तेन कहां से होत्री से तो दुर्ग जिला से होत्री से और मोला बोले कोई अति संयोक्ति नहीं है कि पूरा देश के अंदर कोई उम्मीद के किरण नहीं दिखत रही से कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी। ऐसे बेला में 5 साल संभाल के रखी इस कोरोना जैसे विपत्ति काल में और घोषणा जन अमर जन घोषणा समिति के अध्यक्ष बनी, ओकर बाद पूरा छत्तीसगढ़ के एक एक विधानसभा में जाना, छोटे से छोटे कार्यकर्ता चाहे वो जसपुर के हो, दंतेवाड़ा के हो, जगदलपुर के हो, जसपुर के हो, जेल भी पुलिस लेकर फोन रिसीव करके एक एक बिंदु संकलित करी और निश्चित तौर पे ये प्रदेश के अतिताय मुख्यमंत्री के विरुद्ध में शंखनाद करीस तो कौन करी, आदरणीय विजय बघेल जी करीस। ओकर परिणाम है कि 9 में से
सात विधानसभा शानदार जीत के दे रहे हैं और एक हम सबके हक बनते हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व से कि हमारे जिला ला हमारे बड़े भैया विजय बघेल जी ला निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में आज तक के कैबिनेट मंत्री के दर्जा नहीं मिले। मैं पार्टी फोरम में और लोकसभा क्षेत्र के एक एक कार्यकर्ता के तरफ से मैं विनम्र निवेदन करूं कि बड़े भैया विजय बघेल जी जैन साहस निडरता के साथ भारतीय जनता पार्टी के 5 साल सेवा करी ओकर बदौलत कैबिनेट मंत्री के दर्जा मिलना चाहिए। जैन जय भारत जय छत्तीसगढ़। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।